मनाली से आने में हमें करीब 10-12 घंटे लगे। उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ट्रैफिक जाम की स्थिति थी, प्रशासन भी कोई मुस्तैद नहीं था, प्रशासन की लापरवाही काफ़ी रही। अगर प्रशासन मुस्तैद होता तो बच्चे परेशान होने से बच जाते। लैंडस्लाइडिंग दोनों तरफ से हो गई थी, इस वजह से कोई पहुंच भी नहीं पा रहा था वहाँ पे। बहुत बहुत पानी की भी, मतलब हमें पानी भी नहीं मिला, बच्चे गर्मी में उमस हो रही थी उससे परेशान हुए, जगह जगह पहाड़ धस रहे थे, खाना पीना मिल नहीं पा रहा था बच्चों को। और अभी क्या प्रोग्राम है अभी आगे? तो कोई प्रोग्राम नहीं है, बच्चों के स्कूल भी चालू होने वाले हैं। 2-3 दिन सोचा था यहाँ पर इंजॉय करेंगे बच्चों के साथ में, बाकी दिक्कतें इतनी आ रही थी उस चक्कर में जाना पड़ रहा है वापस रिटर्न, क्योंकि अब मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है यहाँ पर और सुविधाएं कुछ नहीं, ट्रैफिक जाम की स्थिति ज़्यादा है, दिक्कतें बहुत आ रही है, तो बच्चों को लेकर के वापस निवास स्थान इंदौर ही जाएंगे। हमारा मनाली जाने का प्रोग्राम था कल, हमारा हमने मनाली प्रोग्राम किया था जाने का, लेकिन कल लैंडस्लाइडिंग इतनी हो गई कि जा नहीं पाए। हाँ जी, हाँ जी, लैंडस्लाइड की वजह से वही हमें एक दिन और यहाँ पे रुकना पड़ा, एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे स्टे करना पड़ा एक दिन। अच्छा, अभी आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? अभी हमने जाना है मनाली, हमारा वहाँ पे होटल बुकड है, तो वही था, कल काफ़ी लैंडस्लाइड हुई है उसकी वजह से हमें काफ़ी थोड़ा। अभी भी बारिश का अलर्ट है कि दोबारा बारिश हो सकती है, लैंडस्लाइडिंग फिर भी हो सकती है, तो इसको लेके कोई डर का माहौल तो नहीं है, क्योंकि कल जो लोग थे वहाँ पे 24 घंटे तक भी कहीं फंसे रहे। हाँ जी, डर का माहौल तो है, बट वही है कि मतलब कल जो यहाँ पे फोर्सेस भी थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, बट वही है कि हाँ थोड़ा केयरफुल रह के जाना पड़ेगा।